नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलखुश। स्वागत है आप सभी का ट्रेंड टॉपिक ज्ञान में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक पोको M2 डिवाइस का विचार है, क्या आपको भी नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। अगर आपको भी नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने के लिए मिला तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैं आपको टिप्स एंड टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे कि आपको क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था पोको M2 प्रो डिवाइस में या पोको M2 डिवाइस में, खास करके दोस्तों ये पोको M2 डिवाइस के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों इसमें आपको नेटवर्क प्रॉब्लम, जैसे M9 गेमिंग के टाइम में फ्री फायर खेल उस टाइम में आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने के लिए, यूट्यूब उस टाइम में आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम देखना, उसके बाद कॉलिंग के टाइम में भी बहुत हद तक आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको नेटवर्क प्लस आपका इंटरनेट से प्रॉब्लम अगर आपके पोको M2 डिवाइस में हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको टिप्स एंड टॉपिक्स बताऊंगा वो टिप्स एंड टॉपिक्स आपके पोको M2 डिवाइस में 100% वर्क करता है। सेटिंग से एक अपडेट आया है कि अगर उस अपडेट को आप कर लेते हैं, उस जैसे कि उसमें टिप्स एंड टॉपिक्स बताऊंगा उसे अगर आप अपने मोबाइल में इनेबल कर लीजिए तो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। अपने पोको M2 डिवाइस में जरूर इनेबल कर लीजिएगा, ये ट्रिक 100% वर्क करता है। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेरे नए मेहमान हो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरह न्यू अपडेट पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता आज की वीडियो के, लेट स्टार्टेड एंड वीडियो। जैसे देख सकते हैं मेरे पास पोको M2 प्रो डिवाइस है, तो इसमें चलिए आपको जो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। आप करना क्या है, आपको सिंपली सेटिंग में आ जाना। सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना ACC सर्च करिएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं एसेसरी पॉइंट का नेम का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस टाइप से फिर खुल के आ जाएगा। आप अगर कोई भी सिम यूज करते हैं उस टाइप से अगर उसका सिम का नाम आ जाएगा, तो आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एयरटेल का सिम यूज करा, यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं APNS सेटिंग का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे एडिटिंग एसेसरी पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड टॉपिक्स बता रहा हूँ उसे अगर आप अपने मोबाइल में इनेबल कर लीजिएगा तो डिवाइस में नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं APN सेटिंग, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। अगर आपका जो भी सिम है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से, अगर आपके मोबाइल में .com नहीं होगा तो आपको सिंपली इस टाइप से अपने मोबाइल में .com करके ओके कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है पोर्ट पे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोई भी पोर्ट नहीं किया। अगर आपने कोई पोर्ट किया है आपको यहाँ पे जो भी कुछ होगा अगर अगर कुछ भी लिखा होगा तो आपको सिंपली क्लिक करके और उसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाना है, आपको सिर्फ इस टाइप से सर्च करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर पर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपके मोबाइल में बहुत स्लो नेट चल रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है फास्ट नेटवर्क, यहाँ पे फास्ट नेटवर्क लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको फिर से इस टाइप से स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं APN ड्रॉपिंग प्रोटेक्शन, सिंपली इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख लीजिएगा आपका यहाँ पे IPv4 IPv6A वाला ऑप्शन, अगर आपका क्लिक होगा तो आपको इसी पर फिर से क्लिक, अगर नहीं होगा तो क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको फिर बैक आना है, पूरे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं MB-ONN टाइप, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। अगर इस पर क्लिक करने के बाद आपका इसमें से कोई ऑप्शन, जैसे ये अगर कोई भी ऑप्शन आपके अगर मोबाइल में ऑन होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे नॉन कर देना है। जैसे इतना ऑप्शन को आप अपने मोबाइल में एडिटिंग कर दीजिएगा, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक मोबाइल को रिबूट कर देना है। एक बार आपका मोबाइल जब ऑन होगा तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।